हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश पांडे और आज मैं आपको किस तरीके से रियल एस्टेट का वर्क होता है उसके बारे में इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। तो ये वर्क को कैसे किया जा सकता है वो भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। साथ ही साथ ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है जो अपनी जॉब को साइड से ऑफिस की तरफ लेके आना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया है करियर, किस तरीके से ऑफिस जॉब में करियर कर सके उसके बारे में वीडियो है। ऑल इन वन वीडियो का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी एक साइट है, ठीक है, कोई एक खाली जगह है, तो अब उस पर हमें क्या करना होता है, उस पर सबसे पहले हमें उसमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो प्लानिंग के लिए हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऑटोकैड को यूज करते हैं। साथ ही साथ इसमें महारेरा के रूल्स, वास्तु के रूल्स और बिल्डिंग बाय लॉस के रूल्स को देखते हुए कि साइड मार्जिन कितना छोड़ना है, फ्रंट मार्जिन कितना छोड़ना है, ये सब देखने हुए बिल्टअप एरिया क्या है हमारा और उस पर फ्लोर एरिया रेशियो क्या है, इसको देखते हुए ऑटोकैड पर प्लानिंग करते हैं। करेक्ट। जैसे ही प्लानिंग हो गया तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ड्राइंग को भेज दी जाती है एक आर्किटेक्ट के पास, या फिर कोई भी एक 3D मॉड्यूलर है, चाहे सिविल इंजीनियर ही है, तो वो क्या करता है, वो उसकी मॉडलिंग करता है, अच्छा सा उसका अच्छा सा व्यू तैयार करता है। जब व्यू तैयार हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई व्यू तैयार हो चुका है, प्लानिंग हो चुकी है, तो उस प्लान को भेज दिया जाता है एक स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास, जो कि एक एनालिसिस करता है। क्या करता है, एनालिसिस करता है। एनालिसिस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसके लिए वो अपना स्टैट प्रो यूज करता है। अब जैसे स्टैट प्रो से एनालिसिस हो गई तो फाउंडेशन के लिए स्टैट फाउंडेशन को यूज करता है। स्टैट फाउंडेशन से फाउंडेशन की भी डिजाइनिंग हो गई। फिर क्या करना पड़ता है, फिर एक डिटेल ड्राइंग्स को सबमिट करना पड़ता है। जो आपने स्टैट से निकाला है डाटा, उसके एक डिटेल ड्राइंग बना के क्लाइंट को सबमिट करना पड़ता है। तो क्लाइंट को सबमिट करने के लिए क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग स्टैट के डाटा को RCDC में डाल देते हैं, और RCDC में डालने के बाद आप वहां से डिटेल ड्राइंग्स निकाल सकते हो। क्या क्या किया हमने, पहले ऑटोकैड किया, ऑटोकैड में हमने प्रॉपर प्लानिंग की, रैबिट में हमने मॉडलिंग की, और उसके बाद हम लोगों ने स्टैट प्रो में एनालिसिस किया, स्टैट फाउंडेशन में फाउंडेशन डिजाइनिंग किया, और इन सबको ले आके RCDC में डाल दिया। RCDC में डालने के बाद क्या हुआ, इससे फायदा कि हमें 2D डिटेलिंग्स मिल गई है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर स्टैट फाउंडेशन में क्या हो रहा है, हमारी पूरी की पूरी डिटेल ड्रॉइंग्स निकल के आ जाएंगे। स्टैट फाउंडेशन से फाउंडेशन की, RCDC से बीम, कॉलम, स्लैब और स्टेयरकेस की। जब ये सब कुछ आ जाए तो नेक्स्ट वर्क होता है कि अब हमें इसको क्रॉस चेक करना चाहिए, स्टील ज्यादा लग गया है या फिर कम लग रहा है। तो क्रॉस चेक के लिए आप दो मेथड यूज कर सकते हो, एक तो मैनुअल जा सकते हो, एक एक्सेल से जा सकते हो। तो मैनुअल और एक्सेल अगर दोनों आता है तो मच बेटर है। तो हमने इस पूरे सीरीज को ऑल इन वन सीरीज नाम दिया है। हमने एक कोर्स कंप्लीट तैयार किया हुआ है। इस कोर्स की थोड़ी सी यूनिक थिंग्स हैं। क्या क्या यूनिक है इसमें, ये कोर्स कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया है, ये लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यह है कि जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हुए क्लास में उसकी भी रिकॉर्डिंग ऐड है, क्योंकि डाउट तो आपको भी आएगा, तो जो आपको डाउट आएगा वो डाउट ऑलरेडी बच्चों ने पूछ रखा है और वो कोर्स में ऐड है, सारे के सारे डाउट, सारे की रिकॉर्डिंग कंप्लीट है। चलिए, दूसरी यूनिक थिंग क्या है कि इस कोर्स के साथ आपको डाउट लेक्चर की क्लास फ्री मिलती है 10:30 से 11 रात में, मतलब 10:30 PM से 11 PM तक आपको फ्री डाउट लेक्चर्स मिलते हैं। आप यहाँ पर आके जो क्वेश्चन पूछना है कोर्स से रिलेटेड या फिर सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आके पूछ सकते हो। अब हमने स्पोर्ट्स में क्या एक्स्ट्रा ऐड किया है, हमने स्पोर्ट्स में रैबिट के अंदर रैबिट स्ट्रक्चर ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर ऐड किया है कि ऑटोमेटिक रेनफोर्समेंट कैसे ऐड करेंगे। रैबिट के अंदर रैबिट एस्टिमेशन ऐड किया है, जिससे कि हम लोग बता सकेंगे भाई कितनी ब्रिक लगेगी, कितनी सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा। हमने RCDC के अंदर BBS ऐड किया है, बार बेंडिंग शेड्यूल ऐड किया है, जो कि यूनिक थिंग्स है। हमने ऑटोकैड के अंदर बाय लॉ कैसे प्लान करेंगे, कैसे उसको एग्जीक्यूट करके देंगे, वो भी हमने बताया है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कैसे पास कराना है, वो भी ऑटोकैड के अंदर हमने आपको बता रखा है। तो ये कोर्स का कुछ यूनिक थिंग्स है। ये कोर्स उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है जो सोच रहे हैं कि मुझे साइड से ऑफिस की जॉब में आना है, क्योंकि मुझे ऑफिस में अपना कैरियर स्टार्ट करना है, या फिर जो बच्चे थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर में है, उनको लग रहा है कि यार मैं जाने के बाद क्या करूंगा। तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और रियल एस्टेट को लोगों को लगता है कि भाई अभी ऐसे है, बट ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जितना आप सोच नहीं सकते हो उतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो उसमें अगर आपको आना है तो ये कंप्लीट पैकेज ऑल इन वन है, जिसका कंप्लीट कोर्स का फी है वो 15,000 है, और अगर आप जो स्टार्टिंग के 200% रहेंगे उनको सिर्फ और सिर्फ 4,500 में ये कोर्स कंप्लीट मिलेगा। तो आप लोग जाके यूनिक सिविल ऐप पर इस कोर्स को ले लीजिए। इस कोर्स की वैलिडिटी 2 इयर्स है, और साथ ही साथ
अच्छी बात यह है कि इसमें आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, सर्टिफिकेट के लिए आपको अपने कोर्स में से हर एक प्रोग्राम से, मतलब रैबिट से, ऑटोकैड से, स्टैट प्रो से, आरसीडीसी से, सबसे दो दो प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ेंगे। जैसे आप दो प्रोजेक्ट सबमिट करते हो, मुझे पता चल जाएगा कि आपको आ गया है, फिर आपको सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी आपके मेल पर दे दिया जाएगा। तो ये था ऑल इन वन कंप्लीट पैकेज, और जाइए आप इसको विजिट करिए। इसमें कई ढेर सारे डेमो लेक्चर्स हैं, लगभग 15 से 15 के अप्रॉक्स डेमो लेक्चर्स हैं, जाके उनको देखिए, अच्छा लगे तो उसको परचेज करिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।